पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा मोमबत्ती जलाकर कैंडल मार्च निकाला गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसी कड़ी में शनिवार को इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन एवं तहजीब संस्था द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में संस्था के कार्यकर्ता मोहम्मद फहीम, बिपिन, नूर मोहम्मद, तहजीब संस्था की संस्थापक आरती गुप्ता, आसिया परवीन, कंचन सहित भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। आज हमने क्या कहते हैं शहीद पुलवामा में जो हुए हमने के एवज में हमने ये आज शांति मार्च निकाला है, जो हम पूरे भारत को ये मैसेज देना चाहते हैं इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन की तरफ से कि जितने भी भारत में जो भी ये हमले हो रहे हैं वो लोग अपने आप को सुधार लें, वरना फिर हिंदुस्तान जब अपने पे आएगा तो उम्मीद है कि हिंदुस्तान किसी देश से कम नहीं है और हिंदुस्तान हमेशा हिंदुस्तान है, हमेशा हिंदुस्तान रहेगा और उसके सामने कोई देश आगे नहीं है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ में आरती वर्मा मैम है, तहजीब एनजीओ है हमारा, आरती गुप्ता मैम जो तहजीब एनजीओ है, और चाइल्ड लाइन से लोकिता मैडम का सहयोग रहा, और हमारी पूरी इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन जो हेडक्वार्टर टीम है वो हमारी कदम से कदम मिलाकर इस संपन्न कराने में पूरा सहयोग किया। इस कार्यक्रम में हमारे प्रिंसिपल मिस्टर बिपिन सर, इस कार्यक्रम में चित्रगुप्त इंटर कॉलेज के हमारे राजीव पाठक सर और वाइस प्रिंसिपल अपने स्काउट्स के साथ, और हमारे वाइस प्रिंसिपल नूर सर, कंचन मैडम, आसिया मैडम, जयास सर, और रामपुर से हमारे सचिन जी जो डिविजनल एडवेंचर कोऑर्डिनेटर हैं वो विशेष रूप से हमारे एक फोन पर वो यहाँ पर मौजूद हैं।